हम सबको एक रोशनी की तलाश है, पर जी रहे हैं अंधेरे में। ये भयानक अंधकार आज के गुनाहगार और गुनाह लेकर आए हैं हमारे जीवन में। हर गुनाहगार चाहे मौत का खौफ सारी दुनिया में फैला दे, पर खुद अपनी मौत के डर से ना वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। इसलिए वो चेहरा बदलकर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी होती है। हर युग में किसी भी नाम से कोई ना कोई इस अंधेरे में रोशनी लाने के लिए जन्म लेता है, और इस युग में आया है रईस ज़ादा। आज रात का खाना तेरे साथ है। हाँ जो तू सुधरे का। इंस्पेक्टर आओ। कुत्ते को भी जॉन ठोकर मारा था ना, कुत्ता उनका काटत है, और हम तो इंसान हैं, वो भी शहर भरे इंसान। नाम मुन्ना ठाकुर। इंस्पेक्टर आओ, हम तो का काटे बगैर ना ही छोड़ा, ना ही छोड़ा इंस्पेक्टर, ना ही किसने भेजा था तुझे मुझे गोली मारने के लिए? आओ थोल। किसका आदमी है तू? हे इंस्पेक्टर आओ, तू मुन्ना ठाकुर को ऐसन पूछा था जैसन पाठशाला में मास्टरवा, तू का समझा था? तू समझा था कि तू पूछेगा तो हम बता देंगे? नहीं, हम मालिक का पता नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे इंस्पेक्टर आओ, नहीं बताएंगे। लगता है तू किसी बड़े कुत्ते का पिल्ला है। जब तक रिमांड पे नहीं लूंगा मानेगा नहीं। रात को तैयार है ना, आऊंगा। हवलदार नंबर बंद करो। जा बेटा, आओ जा। तुम्हारी अम्मी जान कैसे हैं? सब ठीक है। हमारा सलाम कहना। जरूर, जैसा बातें होंगी मैं अभी आई। जी बताइए भाईजान, हम कौन है? हमारी छोटी सी मोटी सी गुड़िया रानी नाजू। आओ बैठो, कहो कैसी हो? हम
आपसे बात नहीं करने वाले। क्यों 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 क्यों? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? बैठो। अरे भाई, हम दिन रात काम करते रहते हैं, तुम तो जानती हो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत तो आपको निकालनी पड़ेगी ईद के दिन, उस दिन अगर आप नहीं आए तो जो 40 चोरों की सजा होगी वही हमारी, ठीक है? मगर ये बताओ कि ईद के दिन तुम हमको खिलाओगी क्या? जो घर में होगा। सर। अरे संजय तुम। गुड इवनिंग सर। हेलो। पापा आ गए, अब आप पापा से बात करिए, लेकिन ईद के दिन आना ना भूलिएगा। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस। सर बैठ। थैंक यू सर। एक अपराधी है मुन्ना ठाकुर, जुर्म की दुनिया का अहम मोहरा है, बड़ा ढीठ आदमी है। मुझे लगता है ऐसे जुबान नहीं खुलेगा, इसलिए कम से कम 7 दिन का रिमांड लेना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे तो चर्चे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तुमने जिस मुजरिम के लिए वक्त मांगा है ठीक ही मांगा होगा। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक्स। तुम कहाँ थे इतनी रात गए? पुलिस स्टेशन फोन किया, वहां से तुम जा चुके थे, कहाँ थे बोलो? अरे माँ, सांस तो लेने दो। तुम तो इस तरह सवाल करती हो जैसे कोर्ट में किसी मुजरिम से सवाल कर रही हो। पहले ये बताओ तुम कहाँ थे? जज मुश्ताक अंकल किया गया था किसी इमरजेंसी केस के लिए। डैडी का है? तुम्हारे डैडी है, दुनिया भर का दफ्तर में काम, वक्त पर घर थोड़े ही आएंगे। माँ एक आइडिया दूं? तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और डैडी को रिमांड पे ले लेना। और बाद में कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर लेना। आइडिया कैसा है? आइडिया वाइडिया बाद में, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। हाँ ये बेटर आइडिया है, बहुत भूख लगी है। बाहर खाना ठंडा हो रहा है और तू यहाँ उछल कूद कर रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा माँ, हर इंसान की जिंदगी के दो रूप होते हैं, एक दुनिया वालों के लिए और एक खुद के लिए। शिरिन कमेंटरी कर न पकोड़ा पक 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 पटली कमरे है तिरछी नजरे है, आ जा मेरा परदेसी बालम, आ जा तेरा को मैं दम 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 निकल दम दम। ए मेरे को बोलता है फोन मार और उधर की लाइन मारते इडियट। नदी माटो लाइन, नदी माटो। जो जो एक छोकरी ना, 3 गुंडा उसका पीछे भागता है। हाँ, अभी छोकरी को पकड़ेगा। कौन है तुम लोग? छोकरी को मारेगा। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो बचाओ। अरे जॉनी जॉनी रुस्तम हेल्प कर ली, बचाओ। मजाक में एक फटका पड़ जाएगा तो मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर जाएगा। ये तो शूटिंग से शूटिंग। अभी जो 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 अभी हीरो आएगा। पीछे को क्या आएगा? पीछे से नहीं, कैसे आएगा? पुलिस आएगा। पुलिस आ गया। क्या करता है साला, क्या करता है साला? साला एक दंड पड़ेगा तो तुम्हारा खोपड़ी में भेजा है, टुकड़ा टुकड़ा बाहर निकलेगा साला। समझता क्या है? क्या हो गया मैम साहब? हवलदार साहब इसे गिरफ्तार। अरे गिरफ्तार करने के लिए तो हमारा साला हमारा जो डंडा है, ये डंडा एक गुंडा खाता है 3 दिन गुंडा बाहर निकलता है। हवलदार साहब आपके पास क्या प्रूफ है? क्या पुलिस को छोड़ा है? क्या साला कानून का बात करता है, पॉइंट पकड़ के चलता है साला। हैं प्रूफ चाहिए? प्रूफ? ओए ओए ए जॉनी हवलदार पर ओए ओए चिल्लाता है। ओए ओए हाँ साला हवलदार भी ठीक है देखा है। हाँ ओए रे नहीं 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 जवड़े 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 आओ 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 बाय बाय परे थम आये बाप ठीक है मुंह अरे क्यों दाये से ते चल दाया बाया दाया बाया आउने साला हाथी लगता है मरा सुन लगता है। विश्राम आराम इधर जो गड़बड़ हो गया तुम देखा है तो? हाँ हाँ देखा है, देखा है। हाँ देखा है, देखा है। हाँ देखा है। नहीं 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 हाँ हाँ देखा है। हाँ देखा है। शामाटे हमारे कॉलेज के रुस्ता। अभी तुम पुलिस स्टेशन में चलो चलो, मैम साहब तुम भी चलो। तुम जाओ मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अच्छा है चलो। क्या बात है हुसैन मियां, बहुत देर हो गई, सोनम अभी तक नहीं आई। आती होगी हुजूर, ये लीजिए ना, आ भी गई वो।
अरे गुड मॉर्निंग हुसैन चाचा। क्या बात है बिटिया, बहुत देर लगा दी आज। अरे आपको नहीं पता आज क्या हुआ, आज सीपीएस के सामने चार गुंडों ने मुझे खेल लिया और फिर होने लगी हाथापाई। अगर मुझे जूडो कराटे आते तो एक को यू सीधा फ्लैट कर देती। देखिए कितनी बार तुमसे कहा कि इतनी दूर मत छाया करो। उसके आगे तो सुनी क्या हुआ, फिर एक सुपरमैन आया, उसने जो ढिशुम ढिशुम स्टार्ट की, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, एक सीधा भागा और वो उसके पीछे भागा। वो सुपरमैन कौन था भाई? ये था वो सुपरमैन। अच्छा अच्छा तस्वीर भी दे गया है? अरे भाई हमें भी तो दिखाओ। अरे भी देखते क्या दिखाओ सुपरमैन। अरे ये तो अपना संजू है, इंस्पेक्टर संजू, डीएसपी अमर सिंह का लड़का। इंस्पेक्टर? हाँ। तभी तो मैं सोचा इतना स्टाइल इतना कॉन्फिडेंस आम आदमियों में कहाँ होता है। डैडी मुझे भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। अच्छा अच्छा बन जाना। प्रॉमिस? हाँ। बाय। कमाल करते हैं कमिश्नर साहब, आपने भी हाँ कह दी। उसकी उम्र थानेदार बनने की नहीं है, थानेदार नहीं बनने की है। उसके हाथों में मेहंदी रचाई जानी चाहिए, उसके हाथ मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाने के लिए नहीं है। ठीक कहते हो सैन मियां, अब तुम्हें बताओ हम क्या करें। अरे करना क्या है, अमर सिंह साहब से बात कर लीजिए, चट मंगनी पट ब्याह। नमस्ते अंकल। ए सिविल ड्रेस में हूँ इसलिए तुम्हारी नमस्ते का जवाब दे देता हूँ, पर जानता हूँ ऑफिस में होता तो आपको सल्यूट करना पड़ता। वैसे मैंने अपने खानदान की परंपरा को कायम रखा है, जैसे डैडी मुजरिम और गुनहगारों के दुश्मन है वैसे मैं भी, सिर्फ दोनों के काम करने का अंदाज अलग अलग है, वरना इस मामले में हम दोनों रईस हैं। इसीलिए तो लोग तुम्हें रईस ज्यादा कहते हैं मियां। अरे रईस ज्यादा नहीं, दिल का रईस ज्यादा। मैं जानता हूँ बेटे तुम्हारा कानून और कानून वालों की तरफ अलग नजरिया है, पर जिनका जीने का अंदाज अलग होता है वो अक्सर कानून को नई राह दिखा जाते। फिलहाल तो जीने के लिए खुद नई राह ढूंढ रहा हूं। अच्छा बेटे अब हम चाहेंगे कि तुम हमारी बेटी सोनम के हमसफर बनकर उन्हें गार्डन दिखाएं, सीढ़ियों दिखाएं। थैंक यू डैडी, चले। लीजिए। नजारे देख रही हो या कुछ सोच रही हो? क्या सोचूंगी, कहीं वही तो नहीं जो एक लड़का लड़की को कहने से पहले सोचता है? इसमें सोचने की क्या बात है, एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। अच्छा और कह देना होता है क्या? Thank you.
पहले अख लड़ गई फिर दिल मिल गए फिर हो गए आलो करार सब कहते हो गया प्यार प्यार पहले अख लड़ गई फिर दिल मिल गए पहले अख लड़ गई तकदीर है मैं हूँ राजन तेरा तू मेरी हीर है तेरा इश्क मेरी तकदीर है मैं हूँ राजन तेरा तू मेरी हीर है मैं हूँ राजड़ा तेरा तू मेरे हीर है अब ना करना इनकार मुझे तुमसे हो गया प्यार प्यार पहले अख लड़ गई फिर दिल मिल गया पहले अख लड़ गई फिर दिल मिल गया फिर हो गए कॉल करार सब कहते हो गया प्यार प्यार पहले सोनम तैयार है? हाँ सरकार बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। पापा आई एम रेडी। अरे ईश्वर हमारी बेटी को इतना बड़ा ओहदा देती है, एक दिन हमें भी उसे सलूट करना पड़ा। मुझे ओहदे की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है पापा, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग सही सलामत पूरी करके आ सकूं। अच्छा हुसैन चाचा, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी, इस रहीम चाचा ने बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी दुआओं का असर तुझे जिंदगी में हर जगह नजर आएगा। बड़ी मुरादों से हाजी अली बाबा के मजार से ये कलमा लिखा हुआ कड़ा लेकर के आया हूँ बेटी, इससे पहले जी। एक गरीब नौकर तुझे सिवाय दुआओं और आशीर्वाद के और क्या दे सकता है बेटी? आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा खुदा हाफिज। ओके टेक केयर एंड बी गुड। हाँ यस बाय। ए सोनम, सोनम रुको। हाय, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। व्हाई? कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे, तुम्हें वक्त का एहसास है कि नहीं है? वक्त का एहसास तो है पर मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त का एहसास है पर मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए से छलिए बन के घूम रहे हो। वो तो हुआ ही, मैंने सोचा कि तुम ट्रेनिंग पे जा रही हो तो मेरा दिल खाली खाली हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे कहीं और लगा लिया। क्या हो, तुमने दिल लगा लिया? अरे ड्यूटी से भाई, ड्यूटी से। ये देखो राजा का ड्रेस पहनकर देखने जा रहा हूँ, कहीं प्रजा दुखी तो नहीं है? आइडिया बुरा नहीं है, है ना? अरे कांस्टेबल साहब जरा तीतो बगा ना, तीतो। एक कॉपी दो। प्लीज।
मटर जी। चलो हम जाएगा, गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काहे को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफी लड़के हम कि मिलता हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। हाँ, किधर है? हम एक मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? क्या जरूरत नहीं है, लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो, ढूंढाई लियो, हमारे सोना और बंगाल हमें ढूंढाई लियो। मैडम जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। हाँ। फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मछलानी बोल रहा है, डेढ़ फुट तीन फुट छह फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, अर्जेंट है। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला, मुझे जल्दी बात करनी है जरा प्लीज। एक अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना साला गुंडा। हम तुमको लूटे बोलता हम बजाय साला बात करता है, फोन पर उछाई होता है। अरे भाई साहब एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा, हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है, आप लोग रिपोर्ट लिखाओ, जाओ चला बात करता है। किसमें किसमें किसमें? गुंडों ने गुंडों ने गुंडों ने। कैसे कैसे कैसे? चकू छुरिया चला के पिस्तौल अड़ा के, चकू छुरिया चला के पिस्तौल अड़ा के हमें लूट लिया, हमें लूट लिया, लूट लिया लूट लिया लूट लिया, हमें लूट लिया लूट लिया लूट लिया, लूट लिया गुंडों ने ठुकाई करके और छोड़ दिया जेबों की सफाई करके, हमें लूट लिया हमें लूट लिया हमें लूट लिया, लूट लिया लूट लिया लूट लिया, हमें लूट लिया लूट लिया लूट लिया। बोली बाबा क्या लूट लिया? अल्लाह, चेन किसी की लूट, किसी का लॉकेट, किसी का जॉकेट और किसी का पॉकेट और किसी का छल्ला। अल्लाह 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 अल्लाह, लूट लिया गुंडों ने ठुकाई करके और छोड़ दिया सब की सफाई करके, हमें लूट लिया लूट लिया लूट लिया लूट लिया, हमें लूट लिया लूट लिया लूट लिया। अयो दांत मेरा तोड़ा, मोहे गंजा करके छोड़ा, नोट मेरे जेबों के आरे, अरे बाबा आरे नहीं आरे नहीं सारे आरे। आगे बोल। ले गए हाय उड़ाके उड़ाके उड़ाके। बंद करो, हमको भी अकला दिया, किधर को लूटा? लूट लिया आपके ही एरिया में, ये क्या हो रहा है आज इंडिया में, आज इंडिया में। मुश्किल है शरीफ होगी, गुंडों का जमाना है, गुंडों का जमाना है, मुश्किल है शरीफ होगी, गुंडों का जमाना है, गुंडों का जमाना है। ए थाना है थाना है थाना है थाना है थाना है थाना है, पास तभी तो आज
तुम्हारे लाए इनको बुला के बुला के बुला के हमें लूट लिया। कितना लुटेरा था तुम बोलो। लखो सरकार बन्या जेनो शिकार हता मोटो दमदार गुंडा गनती माचार भाई गनती माचार हे जीरे जीरे ए रमाने करने का हुलिया क्या था बोल। बम्बो नीचे कर अपना तंबू। ये नवाब आपने की हिसाब नवाब नहीं हो छोटे कबाब छोटे कबाब छोटे कबाब आगे बोल। ऐसे बेदर्द जालिम लुटेरे थे वो उनकी महफिल में जाना गजब हो गया गजब हो गया गजब हो गया। हम तो फनकार हैं फन के मारे हुए हाय गाना बजाना गजब हो गया गजब हो गया गजब हो गया गजब हो ग्राम पर ग्राम पिया और हम सबने मिलके पूरा किलोग्राम पिया हाथ पे हाथ रख के हाथों को बांध दिया टांग पे टांग रख के टांगों को टांग दिया मुंह में बम्बू डाला जेब से माल निकाला फिर ऐसा झटका मारा खुल गया मेरा नाड़ा हाय मेरा नाड़ा। आदमियों का औरत बोलता है पुलिस के साथ में धोखा खाता है सबको अंदर करो चार सौ बीस कोटा है। हाँ थानेदार साहब ये लोग चार सौ बीस नहीं कलाकार हैं और ये रहा इनका इंचार्ज मच्छरानी। किसको ऐसा मालूम था के हो जाएगा लफरा इनको पकड़ा इनसे पहले मुझको ही तो जकरा इनकी खातिर साई इनकी खातिर देखो साई बन गया बलि का बकरा किसको ऐसा मालूम था के हो जाएगा लफरा इनको पकड़ा इनसे पहले मुझको ही तो चकरा। ए चकरानी चकर चकर नहीं करने का ये अपना माल पकड़ो लॉकेट इसका दे दे देवा जाकेट इसका दे दे अल्लाह
पाकिट इसका दे दे झूलेलाल। देख लिया देवों की सफाई करके, देख लिया लोगों की ठुकाई करके, देख लिया पाप की कमाई करके, अरे देख लिया मुन्ना ठाकुर कहाँ है? लॉकअप में सर। लॉकअप में? लेकिन सर शट अप, तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, तुम जिस कुर्सी पर हो हमारी जूतियों के सदके से हो, वैसे मुझे लगता है तुम इस काबिल रहे नहीं। ये आपने क्या किया? जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो वही करता है जो उसे करना होता है। एक मामूली सा इंस्पेक्टर हमारे मुन्ना ठाकुर को 6 दिन तक कैद कर सकता है, जबकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो 6 मिनट तक हमारे अदना से अदना इंसान को कैद कर सके। लेकिन जगन्नाथ, छुट्टियों के दिन रिमांड कैंसिल नहीं होता। कैंसिल नहीं हो सकता तो खरीदा तो जा सकता है ना? ऐसे ही गैर कानूनी कामों को कानूनी तौर पर पूरा करने की आपको फीस दी जाती है मिस्टर कुमार, आप किस मर्ज की दवा है? कानून के कुछ उसूल होते हैं जगन्नाथ। ये जानते हुए कि जगन्नाथ के उसूलों के आगे कानून के शब्द ताले धब्बों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते, ये रिमांड किस जज ने दिया था? जस्टिस सैयद मुश्ताक अहमद ने। सैयद मुश्ताक अहमद उस कमबख्त को भी शराफत और ईमानदारी का शौक है। कौन है इसके घर में? ईद मुबारक हो आंटी। ईद मुबारक हो अंकल। नाजो का है, मैं आज खास तौर पे उसे ईद की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। आप कुछ बोलते कि नहीं अंकल? बेटा, उन बदमाशों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है और उनकी शर्त यह है कि जब तुम मुन्ना ठाकुर को छोड़ दोगे तभी वो नाजो को रिहा करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे किसी खतरनाक मुजरिम को कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही ने तो उसका रिमांड दिया था। ऐसा मत कहो बेटा, वो जालिम मेरी नाजुक को मार डालेंगे। इन्हें तो अपनी नेक नामी और औहदे की पड़ी है, लेकिन लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा सरमाया, मेरी बच्ची है, मेरी नाजो है। अल्लाह के वास्ते मुन्ना ठाकुर को छोड़ दो और मेरी नाजो को ले आओ। सब से काम लो बेगम, सब से। हेलो। अरे अरे अरे, आपकी आवाज तो कांप रही है जज साहब। मुन्ना ठाकुर चाहिए वापस जिंदा, वरना तुम्हारी प्यारी सी बच्ची को मैं क्या। सुनो, मुन्ना ठाकुर तुम्हें जिंदा मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत जल्दी फैसला किया तुमने। शायद इसलिए तुम्हें कामयाब जज हो। भाईजान, भाईजान आपने मुझे बचा लिया। भाईजान वो लोग बहुत बुरे, बहुत बुरे भाईजान, बहुत बुरे। उन्होंने उन्होंने मेरे साथ क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ नाज़नीन, नाज़नीन, नाज़नीन,
साहब, आप तो इंसाफ का चश्मा लगाए दुनिया के फैसले करते रहे, अब आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? कहिए, बोलिए जज साहब, बोलिए, आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? सच्चे, हमारी नाजुक की इज्जत लूट ली उन तालिबों ने, उन गुंडों ने, मेरी बेटी की पाकिजा दामन को तार तार कर दिया शैतानों ने। हेलो संजय सिंह यार। हेलो इंस्पेक्टर, फरमाइए। सैयद जगन्नाथ, मुझे वो बदकार दरिंदा चाहिए जिसने जज सैयद मुश्ताक अहमद की बेटी की इज्जत लूटी है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दे दूंगा। That's like a good boy. तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। इंस्पेक्टर, 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 इंस्पेक्टर संजय सिंह। जगन्नाथ, रिवॉल्वर मेरे पास भी है, तेरे पेपर्स लाया। मेरा मुजरिम, तुम्हारे मुजरिम की लाश मेरी गाड़ी में पड़ी है। लाश? मैंने तुम्हें उसे जिंदा लाने के लिए कहा था ताकि तुम मालूम कर सको कि जगन्नाथ क्या है। देखो, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। जगन्नाथ, मैं तेरे इस घिनौने चेहरे को दुनिया वालों के सामने नंगा कर दूंगा ताकि वो जान सके कि तेरी असलियत क्या है। तेरे जुआ खाने, जिस्म फरोशी के अड्डे और शराब खानों की वजह से न जाने कितने जवानों की जवानी खराब हो गई है, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई और मासूम बच्चे यतीम। मैंने तो सिर्फ समाज की जरूरतों को पूरा करने का हक अदा किया है। क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू इंस्पेक्टर जोशी का खून कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू जज सैयद अहमद की बेटी को अगवा कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे और तेरे आदमियों को हक दिया है कि वो 15 साल के मासूम बच्चे को बलात्कार कर सके? सबूत? कानून सिर्फ सबूत चाहता है। पेश करूंगा जगन्नाथ, धंधा नहीं रोके इंस्पेक्टर। जगन्नाथ, मुझे जोशी मत समझना। चोरों की तरह तू अंदर कैसे घुस आया? ऐसे ये कब बनवाई? डैडी कह रहे थे कि मैं वक्त बेवक्त अगर आप लोग को डिस्टर्ब करता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक डुप्लीकेट बना लो। क्या मैं वाकई आप लोग को डिस्टर्ब करता हूँ? चल बच्चे, चल मैं खाना लगा दूँ। नहीं माँ, मैं सूर्य प्रताप क्या खा के आया। अच्छा माँ, वो मेरी कोई चिट्ठी आई है। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? उसकी। किसकी? उसकी। किसकी? सीधी तरह कहना, सोनम की। ये ले। माय डार्लिंग मामा। बड़ा हो गया लेकिन बचपना नहीं गया। डार्लिंग। जाने मन। मैं यहाँ खैरियत से हूँ। मैं भी यहाँ खैरियत। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पहले कभी ऐसी हालत न थी। जाने मन, इसे इश्क की ब्रांडी का नशा कहते हैं। आंखों से उतर कर दिल में समा जाता है और जब चढ़ता है तो हाय।
नशे की बोतल बदन तेरा तू आंख से दिल में उतर गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई मुझे इश्क बरांडे चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई मुझे इश्क बरांडे चढ़ गई तुझसे मिली तो जिंदा हो गई बिछड़ी तो जान निकल गई मर गई मर गई मर गई मैं तेरे प्यार में मर गई ओह मर गई मैं तेरे प्यार में मर गई जान निकल गई
नशे की बोतल बदन तेरा तू आंख से दिल में उतर गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई मुझे इश्क बरांडे चढ़ गई मुझे इश्क बरांडे चढ़ गई मुझे इश्क बरांडे चढ़ गई तुमने सेठ जगन्नाथ को गिरफ्तार किया? यस सर। इंस्पेक्टर संजय, सेठ जगन्नाथ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? सफेद पोश गुनेगारों को पहले सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और बाद में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जो मैं कर लूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है। इतने बड़े आदमी को बगैर सबूत के तुम पकड़ लाए? जाओ उन्हें फौरन रिहा करो, वरना आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। सर, सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेठ जगन्नाथ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है और मेरे ख्याल में वकील साहब को भी इस बात का पूरी तरह से इल्म है। एक्सक्यूज मी, ना वो जुर्म करना छोड़ता है, ना किसी अपने दुश्मन को छोड़ता है, ना सबूत, ना गवाह। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कानून के रास्ते पर चलने के लिए कानून ही सबसे बड़ी रुकावट है। और रास्ता ही अगर टेढ़ा हो तो आदमी कहां तक सीधा चल सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ताकि जिस दिन सेठ जगन्नाथ का अंतिम दिन आए उस दिन कानून भी उसे मेरे पंजे से बचा नहीं सके। ये लो वफादार गुप्ता, तुम्हारी पहली वफादारी का पहला इनाम। वफादारी करते रहोगे तो इनाम मिलते रहेंगे, वरना इनाम मिलते रहेंगे तो वफादारी होती रहेगी, वरना गुड गुड yes. सरकार, ये आवाज तो सोनू बिछिए की लगती है। हुसैन मियां, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? चिड़िया भी बोलती है तो तुम्हें सोनू की आवाज सुनाई दे? नहीं सरकार, इस आवाज को सुनते सुनते तो मेरे कान बूढ़े हो गए हैं। ये कभी धोखा नहीं खा सकते सरकार। अरे ये तो वाकई सोनू की आवाज है। हाय चाचा। सरकार सरकार, सोनम बिटिया आ गई, देखिए ना सरकार। सोनम बिटिया, हाय डैडी। डैडी ना भगाए बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा, डैडी का हाल नहीं रखा, इतने पतले हो गए। पतले हो गए मैं दुबला। बेटी, इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियां, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। अल्लाह माशाल्लाह, अच्छा सपना। ये सच है पापा? बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा, आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। देखो संजय, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गई, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारकबाद तब दी जाती है सोनम, जब देने वाले को इस वर्दी की अहमियत का एहसास हो। तुम कहाँ खो गए संजय? फर्ज और सबूत के चक्कर में अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था जब तुम बड़े फख्र से इस वर्दी को अपने सीने पर लगाए हुए घूमते थे, मगर अब तुमने ऐसा क्यों किया संजय? इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस वर्दी की गिरफ्त में कितनी छूट है। सिर्फ एक फोन आने से गुनेगारों की हथकड़ी अदालत के हुक्म के बगैर खुल जाती है। लेकिन तुम बड़ी आसानी से इस वर्दी के सहारे
गुनेगारों को बेनकाब कर सकते थे संजय। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जगन्नाथ जी ने आपको बैठने के लिए कहा है। थैंक यू। आप चाय पियेंगे या जाम? मैं जाम के लिए नहीं, काम के लिए आया। काम के लोगों के तो हम बहुत बड़े कदरदान हैं। वैसे काम से पहले हम तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहते हैं कि जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ सिर्फ वही नहीं करेगा जो उसे करना होता है, क्योंकि जगन्नाथ की असलियत मैं पहचान चुका हूं। पहचान चुके हो तो दोस्त बनो। तुम अपने दोस्त नहीं तो मेरे दोस्त क्या बनोगे? दुश्मन बन के भी कुछ खास हासिल कर नहीं सकोगे। दुश्मन तो तुम हो इस समाज के और इंसानियत के। समाज और इंसानियत से खास रिश्ता है क्या? उसी रिश्ते के नाते मैं तुमसे कहने आया हूं कि सही रास्ते पे चलो जगन्नाथ, वरना तुम तुम्हारे गुनाहों के जाल में खुद फंस जाओगे और तुम बेगुनाह होकर भी बच नहीं सकोगे, चाहे तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ होगा क्या। क्या होगा मेरे साथ? मेरे घर पर हमला या ज्यादा से ज्यादा मेरा कत्ल? इससे और ज्यादा क्या करोगे तुम? अगर मैं चाहूं तो शाम से पहले तुम्हें कुचल के रख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक बाप का साया बेकसूर बच्चों के सर से ऊपर उठ जाए। मैं नहीं चाहता कि एक खूबसूरत बीवी को उसके पति की गलतियों की सजा मिले। मेरी बात समझ गए ना? हमारे तुम्हारे रास्ते बहुत अलग अलग हैं टीएसपी अमर। मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें सोने चांदी से तोड़ दूंगा। दुनिया तुम्हें रईस कहेगी और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी औलाद को रईस ज्यादा। क्या तुम मेरी बोली लगा रहे हो? इस दुनिया में हर इंसान की बोली होती है, कम या ज्यादा। तुम्हारी गुलामी से बेहतर मैं कानून की हिफाजत करते मरना पसंद करूंगा। और एक बात याद रखना, बाप की दौलत से जो महल तुम खड़ा कर रहे हो उसकी बुनियाद एक दलदल पर खड़ी है जो किसी भी दिन ढह सकती है, और इस आलीशान इमारत के साथ तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी खोखली बातें हमारे महल में गूंज तो सकती हैं डीएसपी अमर सिंह, पर इसकी दीवारों के रंग तक को नहीं बदल सकती। जाओ पहले कानून की किताब से कोई ऐसा पन्ना फाड़ कर लाओ जिसमें जगन्नाथ के गुनाहों का हिसाब लिखा हो। तो फिर इस बात का वादा रहा, आज के बाद जब भी मैं तुमसे मिलूंगा मेरे पास हथकड़ी होगी। बाहों के फंदों का मजा तो तुम बहुत ले चुके हो, फांसी के फंदे का मजा भी ले लेना। अमर रहेगा तेरा सुहाग, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। सुहाग का जोड़ा पहनकर जब तुम गुस्से से देखती हो तो इस बात का पता नहीं चलता कि ज्यादा सुर्ख तुम्हारी साड़ी है या तुम्हारा चेहरा। लच्छेदार बातें बनाकर मेरा गुस्सा ठंडा करना तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। गुस्सा कहाँ है, गुस्सा तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है कभी कभी। वैसे दिल में तो ज्योति है इस अमर की, अमर ज्योति। वैसे क्या ख्याल है, आज रात है, बगल में सुहाग है, सुहागन का साथ है, क्यों ना हो जाए सुहाग रात। ओह, ये बेवकूफ का फोन आ गया। हेलो, डीएसपी अमर सिंह स्पीकिंग। सर मैं सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सर मैंने जगन्नाथ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। क्या सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। सॉरी ज्योति, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। एक तुम ही हो ईमानदार इस पूरे डिपार्टमेंट में,
क्या जरूरत है समाज के दुश्मनों से दुश्मनी मोल लेने की? क्या करो कामनी, ये तो इस वर्दी का कर्ज है। मैं तो इंसाफ के लिए जी रहा हूं, इंसाफ के लिए मर भी सकता हूं। नहीं, नहीं। अरे कामनी, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। देख ली मुन्ना ठाकुर की करतूत। अरे पापा यहाँ से है, मैं अभी पापा को जगाती हूँ। पापा को किच्ची करूंगी, पापा उठ जाएंगे। अरे पापा नहीं उठे। मम्मी मम्मी देखो पापा नहीं उठे। सुनिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो अर्थी एक ईमानदार और वफादार पुलिस अफसर की नहीं, कानून की है, जो कानून की रक्षा करने वालों की भी रक्षा नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अदालत में बयान और सबूत पेश किए जाते हैं। आंसुओं में डूबी हुई एक विधवा की कहानी सुनने में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे मुवक्किल मिस्टर जगन्नाथ के केस के साथ इस मौत का कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं दरखास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत रिहा किया जाए। गवाह इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की वजह से और सबूत पूरे न होने के कारण ये अदालत मिस्टर जगन्नाथ को बाइज्जत रिहा करती है। मिलॉर्ड, मुझे कल परमिशन में अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अदालत के फैसले के खिलाफ कुछ भी कहना अदालत की तौहीन है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, मैं कानून और अदालत की तहदिल से इज्जत करता हूँ, पर सच्चाई की आवाज को बयान करना अदालत की तौहीन नहीं है। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में खड़े होकर कह सकते हैं। कटघरे में खड़े होने से कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो खुल तो नहीं सकती। मेरी आवाज तो आप भी सुन सकते हैं, जगन्नाथ भी सुन सकता है, जनता भी सुन सकती है। यह रिहाई जगन्नाथ की नहीं, एक गुनाहगार की है। यह मौत एक इंस्पेक्टर की नहीं, यह हत्या कानून की है। और मैं कानून की सौगंध खाकर कहता हूं लॉर्ड, अगर एक सूर्य प्रताप सिंह मरेगा तो कानून हर पल हजारों सूर्य प्रताप सिंह पैदा कर देगा। एक पुलिस वाले की मौत उसके बाकी साथी पुलिस वालों को उस आदमी का जाती दुश्मन बना देती है। जगन्नाथ समाज का दुश्मन है और उसे कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए मैं हथकड़ी पहनाऊंगा, सबूत के साथ, बयान के साथ। We'll see that too. चिल्लाने से तुम्हारी आवाज इन कानून की दीवारों से टकरा कर गूंजेगी तो जरूर, पर जगन्नाथ का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। कुछ लोग कानून को अंधा समझते हैं, लेकिन मैं उसे बहरा और अपाहिज भी मानता हूं। गुड बाय। अमर तुम? ये कानून की बड़ी बड़ी किताबें, कोर्ट कचहरी की लंबी लंबी दलीलें, पर्दी, सबूत, हथकड़ी, इन सबको अपने जूतों की नोक पर रखते हैं जगन्नाथ जैसे मुस्लिम लोग। ज्योति कभी कभी तो जी चाहता है कि जगन्नाथ जैसे मुस्लिम लोगों को गोली से भून दूं, उसके बाद चाहे फांसी भी लग जाए इस बात का गम नहीं होगा। फिर आप में और उस गुनहगार में क्या फर्क रह जाएगा? जगन्नाथ के लिए कानून तोड़ने का
कोई कानून नहीं है, पर कानून बरकरार रखने के लिए आपके पास बहुत से कानून है। यही वजह है कि आपके लिए वर्दी है और उसके लिए हथकड़ी। उसने सबूत मिटा दिया, आपकी गवाह की जुबान बंद कर दी। आप उसके आदमी को अपना गवाह बना के कटघरे में खड़ा कर दीजिए, जो उसके खिलाफ अपनी जुबान खोल सके। बता बता वरना छोड़ूंगा नहीं। बता, बोल बोल बोल। हम तो दो पार्टों के बीच में फंसे हुए साहब, नीचे कानून का, ऊपर जगन्नाथ का। ना तो हम जी सकते हैं साहब, और ना मर सकते हैं। दाल रोटी के लिए गुनाह करने वालों को मार के कानून जगन्नाथ जैसे मुजरिम को खत्म नहीं कर सकता। बट सर, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कई छोटी छोटी मछलियों को शहीद होना पड़ता है। अगर मरना है साहब तो क्यों गुनहगार होकर मरो, क्यों ना शहीद होकर अपने पाप धो लो। मैं आपको एक बड़ी मछली का ठिकाना बताता हूं साहब। कौन सी बड़ी मछली? जगन्नाथ साहब। हाय अमर, ये क्या? आप ऑर्डर इशू कर दीजिए सर, अब जगन्नाथ का सर्वनाश मुझे ही करना होगा। तुम तो जानते हो मेरे इस, यही ना कि जगन्नाथ का खौफ समाज के साथ साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर छाया हुआ है। वो हर उस पुलिस वाले को मौत के घाट उतार देता है जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। यही तो वजह है कि हमारा डिपार्टमेंट भी इस केस में हाथ डालने से कतराता है। एक जोड़ी वर्दी और एक भरी पिस्तौल से उस हैवान का मुकाबला नहीं किया जा सकता जिसके पीछे पैसा और सफेद पोश वालों की ताकत है। तभी तो मैं ये साबित करना चाहता हूं सर कि जब ये वर्दी बेदर्दी से पेश आती है तो बड़े बड़े जगन्नाथ जैसे ताकतवरों की अर्थी उड़ जाती है। अमर, तुम्हारा ये जज्बा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक नई जान और एक नया जोश पैदा कर देगा। उनमें एक नया हौसला पैदा होगा। मैं और पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठो धर्मपाल। पुलिस जो इस बंगले के चारों तरफ घेरा डाले खड़ी है उसके जिम्मेदार तुम हो। नहीं साहब, मेरे से गलती हो गई, फिर को माफ कर देना साहब। अब इस रिवॉल्वर से जो गलती होगी उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। रिवॉल्वर जमीन पर फेंको, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा जगन्नाथ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते डीएसपी अमर सिंह। याद है मैंने तुमसे कहा था फिर जब तुमसे मिलेंगे तो हथकड़ी होगी मेरे पास। तुम्हारे गुनाहों का हिसाब मेरे हाथ में है और तुम्हारे गले की फांसी के फंदे का हिसाब कानून की किताब में है। तुम्हारे कानून की किताब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती डीएसपी अमर। अब सीधे सलाखों के पीछे चल जगन्नाथ, तेरे अनाथ होने का वक्त आ गया है। माँ, आज हमें पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मेडल मिला है। तुमने तो माँ मेरी झोली में खुशियां भर दी है। माँ के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता ज्योति। इंसान कर्म करता है लेकिन शक्ति इनकी होती है। शौहरत हमें मिलती है लेकिन रास्ता माँ दिखाती है। मां के चरण छो बेटे।
दरबार में सब मिलकर आओ जी, माता
अमर से बोलो वो हमारे रास्ते से हट जाए वरना। तुम्हारे धमकाने से मेरे पति अपने फर्ज का रास्ता नहीं छोड़ सकते। अमर के साथ तुमको भी खत्म कर देंगे। हाँ हाँ मार देना मुझे जान से। हाँ हाँ अच्छा। मैं अपने पति को एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी समझे। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। हमार नाम मुन्ना ठाकुर। हेलो 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 करने की तुझे सजा देने आए हैं। तो सच बता कहाँ है तेरा महाराज अगर जिंदा रहना चाहती है। खबरदार चले जाओ यहाँ से। चले तो जाएंगे पर खाली हाथ नहीं। तुझे या तेरी लाश को साथ लेके जाएंगे। माँ बेटे को दुनिया में लाती है कमीनों और तुम लोग बेटे के सामने मां को ले जा रहे हो। बोल किसका आदमी है तू? मैं नहीं जानता। बोल तेरा बाप कौन है? मैं नहीं जानता। कुत्ते की औलाद होकर अपने बाप को नहीं जानता? पता 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 जगन 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 बोल जगन। माँ क्या हुआ बेटे? क्या हुआ ज्योति को? आपके कानून का इनाम मिला है पापा। इनाम? कैसा इनाम? ये जानने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा पापा। हा? क्या मेरी माँ कानून की सरपरस्त नहीं है? हैं? तो क्या ये कानून की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मेरी माँ की हिफाजत करता थी? तो फिर उन गुंडों ने मेरी मां को घायल कैसे कर दिया? कानून एक आग है बेटे, उससे खेलने वाला गुनाहगार होता है, पर कभी कभी आग की लपटों से बचाने वाला भी जल जाता है। और जिसका अपना जिस्म जलता है वो आदमी खुद एक आग बन जाता है पापा। और जिस दिन एक शरीफ आदमी मशाल लेकर निकलता है
उस दिन या तो नई क्रांति आती है या चारों ओर अनगिनत चिताएं जलती हैं। संजय, फिर तुझ में और उन गुनहगारों में क्या फर्क रह जाएगा? वो लोग कानून से खेलते हैं और तू गुनहगारों की जान से खेलेगा। और जानता है, कानून की नजरों में दोनों मुजरिम है। मैं इस तरह के कानून को नहीं जानता मां, और ना ही जानना चाहता हूं। मेरे लिए मेरे दिल से बढ़कर दूसरी कोई अदालत नहीं, मेरी आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई वकील नहीं, और मेरे अंदर के फैसले से बढ़कर दूसरा कोई फैसला नहीं। और मैं वही करूंगा जिस बात की गवाही मेरे अंदर की आवाज देगी। हाँ बेटे, हाँ जरूर करना, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से मुझे तुम्हें हथकड़ी पहनानी पड़े या तुम्हारी मां को तुम्हें सजा दिलवानी पड़े। मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे मुझे मेरी आत्मा निर्दोष समझे, तो फिर दुनिया की कोई भी सजा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो तुमने कागज पर अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है। डीएसपी, शायद तुम नहीं जानते, जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ वही करेगा जो कानून चाहेगा। अच्छा, बोलो। जगन्नाथ का अपना कानून है, वो किसी दूसरे के कानून की गुलामी नहीं करता। और वैसे मुझे तो लगता है डीएसपी की तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं और ना ही अपने खानदान से मोहब्बत है। मैं तेरे बेटे को यतीम कर दूंगा और तेरी खूबसूरत बीवी को विधवा, और अगर मिला मौका तो उस विधवा को कोठे पे बिठा दूंगा। जगन्नाथ, इससे पहले मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। जगन्नाथ, मैं तुझे जगन्नाथ से अनाथ बना दूंगा। कोई भी ऐसी जेल नहीं जो जगन्नाथ को कैद करके रख सके, समझे? वो तो भाग गया। अरे भाई, कचहरी के अलावा जिंदगी में और भी तो चीजें हैं, चाय भी तो पीनी पड़ती है। पिलाइए पिलाइए। ओ, मैं देखता हूं। जगन्नाथ, मेरे घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो डीएसपी अमर सिंह, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है, और वो जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है। आज हमारी मर्जी है कि हम किसी की तड़पती हुई लाश देखें, और वो लाश तुम्हारी होगी तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, मुझे छल्ली कर दो, मगर इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। देखो, छलनी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा दिल छलनी होगा इसकी मौत के बाद, और फिर जिंदगी भर खून रिस रिस कर गिरता रहेगा और तुम बेवा हो जाओगी और तुम्हारा बेटा यतीम। और हरामजादे, तोड़ो इस हरामजादे की। ले चलती हूँ। ज्योति, अब अस्पताल जाने का वक्त नहीं, दुनिया से चले जाने का वक्त आ गया है। ऐसे मत कहो। ज्योति, मैंने सारी उम्र तुम्हें या तो इंतजार करवाया या रुलाया। ऐसा मत कहो। सच बताऊं, लेकिन अभी मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन इस जन्म में मरने के बाद भी मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वादा करो ज्योति, वादा करो, अपने सुहाग की निशानी, अपनी मांग का सिंदूर सदा अपने पास रखोगी। डैडी, बेटे, बेटे, तेरा बाप सच्चाई और ईमानदारी से रईस था, इसलिए प्यार से तुझे
रईस ज्यादा कहता था, अब तेरे बाप की सच्चाई और ईमानदारी तेरे हाथ में है, तेरी जीत होनी चाहिए। डैडी, मैं नहीं जानता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, मगर इतना जरूर जानता हूं कि आज से सत्य और असत्य की जंग शुरू हो गई। तेरी जीत होनी चाहिए। अरे भाई, किस चीज की मुबारकबाद? दद्दू, हमारे जगन्नाथ जी ने इन पवित्र हाथों से डीएसपी अमर सिंह का स्वर्गवास कर दिया, और वो भी उनके इंस्पेक्टर बेटे रंजन सिंह और पत्नी ज्योति के सामने। वाह, क्या बात है। अरे मुबारकबाद के असली हकदार तो अपने बैरिस्टर साहब है, जिन्होंने कानून की देवी की आंखें नहीं खुलने दी। अरे ये सब तो इनकी हौसला अफजाई है। दरअसल जब कोई गुनाह करता है तो उसके लिए कोई नया कानून भी पैदा हो जाता है, और उसी की तो कीमत तुम्हें मिलती है बैरिस्टर साहब। जानते हो, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसके लिए मैं तुम्हारे घर भी आ सकता था। नहीं आए, अच्छा किया, क्योंकि अपने घर में मैं आपके दोस्त का बेटा होता, और मेरे पिता की मौत के बाद शायद ये रिश्ता आपको रास नहीं आया। इंसान का रिश्ता एक इंसान से कभी नहीं टूटता बेटे, पर हां, जब इंसान रिश्ते तोड़कर कानून तोड़ने निकल पड़ता है तो पुलिस कमिश्नर का रिश्ता सिर्फ कानून से रहता है, इंसान से नहीं। तो कानून तोड़ने के जुर्म में मुझे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं ढकेल दिया? मुझे कानून वाले के सामने क्यों खड़ा किया गया? इसलिए बेटे कि तुम्हें आखिरी मर्तबा नसीहत दे सकूं, जिस रास्ते पर तुम्हारे पांव चल रहे हैं उसका एक कदम जेल की कोठरी में होता है। तो फिर जाइए और जाकर उन हैवानों के पैर काटकर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेल दीजिए, जिन्होंने धोखे से मेरे बाप के सीने में गोली ठोक दी थी। और अगर ऐसा आपसे नहीं होता तो जाइए, जाकर उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए जिसकी बिना पर आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल सके। मगर मेरी एक बात याद रखिएगा कमिश्नर साहब, जब तक आप और आपका कानून सिर्फ सबूत इकट्ठा करेगा, तब तक मैं अपने दुश्मनों का सर काटकर इस धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। एक बात सुनते जाओ बेटे, लोहा लोहे को जरूर काटता है, और कानून तोड़कर गुनाहगारों को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन गुनाह को नहीं। गुनाह और गुनहगारों को आप कानून की किताब पढ़कर सजा दीजिए कमिश्नर साहब, मगर मेरे लिए मेरा दिल ही कानून है और मेरे जज्बात ही मेरी किताब। जो भी इसके खिलाफ जाएगा मैं उसे मिटा कर रख दूंगा। हेलो मिसेस सिंह। हेलो, कैसे हैं बच्चे? बस दुआ है आपकी, कोर्ट जा रहे हैं। कमिश्नर साहब, देखिए देखिए मेरी मां को कानून के दुश्मनों ने क्या इनाम दिया है। आप तो कानून के रखवाले हैं ना, कानून ने आपके हाथों में इतनी ताकत दी है, अगर इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद भी आप उन मुजरिमों का बाल बांका नहीं कर सकते, अगर आप उन गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो फूंक डालिए इस कानून को, आग लगा दीजिए इस ओहदे को। बेटे, ये जो औरत यहां जख्मी पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी मां ही नहीं, मेरे दोस्त की पत्नी भी है, और इस तरीके से मेरा भी कोई रिश्ता बनता है। इसका जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है,
मैं जानती हूँ कानून के अपने दायरे हैं, कानून की अपनी उलझने हैं। बेटा संजय, बोलो माँ। गुस्सा करने से तेरी माँ ठीक तो नहीं हो जाएगी? और सुन, उससे मैं कहीं तूने गलत कदम उठा लिया तो तेरा ही नुकसान होगा। मगर इस कानून की तलवार को किसी को तो अपने हाथ में उठाना होगा माँ, और मैं इस तलवार के वार से उन लोगों को खत्म कर दूंगा। अब मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है। संजय, मेरे हाथ तो कानून और वर्दी की वजह से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो खुले हैं। देखो, मैं भी जगन्नाथ से उतनी नफरत करता हूं जितनी के तुम। जानते हो, तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद सारा पुलिस डिपार्टमेंट उससे नफरत करता है। मुझे खबर मिली है कि आज रात को 9:30 वो होटल ब्लू पैलेस में आने वाला है। ये लो। कार्ड, सारी की सारी गोलियां उसके सीने में। शायद एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए मेरी तरफ से यही श्रद्धांजलि है, और तुम्हारी तरफ से आहुति। ऑल द बेस्ट। खबरदार, अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो भून के रख दूंगा। विजय डॉ, विजय डॉ, विजय। हैंड्स अप संजय। सॉरी दोस्त, वो मेरी दोस्ती थी, ये मेरी ड्यूटी है। जो इंसान कानून को अपने हाथ में लेता है, जेल की सलाखें ही उसका नसीब बन जाती है। माँ, मकसद के लिए जीने वाले नसीब की मोहताज नहीं होते। जगन्नाथ को खत्म करना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था, जो मैं पूरा कर चुका हूं। जानती हूँ, और तू भी ये जान ले, अपनी माँ से कभी उम्मीद मत रखना, वो तुझे बचाने या तेरा साथ देने आएगी। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं माँ। मालूम है, मैं अपने कर्म की लड़ाई लड़ चुका हूँ, अब तू अपने धर्म की जंग लड़। जी, मैं जानती हूँ माँ नहीं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला अपने बेटे को सुना करा रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, संजय बेकसूर है। हर प्यार करने वाला अपनों के लिए यही सोचता है। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे विश्वास है, और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं इस विश्वास को हकीकत में बदल दूंगी। संजय, तुम एक गुनहगार से मिलने आई हो? मैं गुनहगार से नहीं, अपने प्यार से मिलने आई हूं। मेरे कर्म तुम्हारे कानून की निगाह में गुनाह है सोनम। मुझसे जितना दूर रहोगी उतनी सुखी रहोगी। प्यार का रिश्ता आत्मा से होता है। अव्वल तो मैं मानती नहीं कि तुम गुनहगार हो, लेकिन अगर कानून की नजरों ने तुम्हें गुनहगार साबित कर दिया और तुम्हें सजा हो गई, तो मैं अपने प्यार की सौगंध खा के कहती हूँ, तुम्हारी यादों से अपनी मांग सजाऊंगी और जन्म जन्म तक तुम्हारी राह देखूंगी। जब तक तुम मुझे अपनी सौगंध बनाकर घर की चौखट के अंदर नहीं लेकर जाते, कानून की तरह प्यार भी अंधा ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है, एक की सजा इंसान यहां काटता है और दूसरे की जन्म जन्म तक।
मुन्ना ठाकुर, तुम पकड़े जाओगे, जेल जाओगे और संजय का खात्मा करोगे। इतना बड़ा काम सेठ? जितना बड़ा काम उतना बड़ा इनाम मुन्ना ठाकुर। समझ गया सेठ। हमारा नाम मुन्ना ठाकुर, हम आदमी की गर्दन को एक ही झटके में चिड़िया की मुंडी की तरह मार देते हैं और उसके प्राण फुर्र से उठ जाते हैं। समझा का? और आज वो चिड़िया तू है, तू का। मुन्ना ठाकुर, तुम दुनिया वालों के लिए ठाकुर होगे, मगर मेरे लिए सिर्फ मुन्ना हो। चिड़िया आज ही नरक में जाएगी और वहां नरक के दरवाजे पर तुम्हारा वो बाप सफेद बगला सेठ जगन्नाथ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जगन्नाथ नरक में नहीं, यही तुम्हारी लाश देखने के लिए जिंदा है का। और आज आज ही मुन्ना ठाकुर, ई मुन्ना ठाकुर तुम्हारे वास्ते यमराज बन के आए। जा मुन्ने नरक पे और वहां पर इंतजार करना अपने सेठ जगन्नाथ का। मिस्टर वफादार गुप्ता, ये तुम्हारा असली नाम है? 100% असली सर। दरअसल हमारे एक वफादार कुत्ते की मौत के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा वफादार गुप्ता। नाम वफादार है लेकिन अपनी वर्दी और ओहदे से गद्दारी कर रहे हो। मैंने क्या किया सर? तुम घर की खबरें दुश्मनों तक पहुंचाते हो। मेरे पास रिपोर्ट आई है। तनख्वाह तुम सरकार से लेते हो लेकिन नौकरी तुम उन गद्दारों की करते हो। एक बात याद रखना गुप्ता, घर का भेदी लंका ढाता है और मैं लंका ढाने वाले भेदियों का नामो निशान इस डिपार्टमेंट से मिटा देता हूं, समझे? सर, मेरे नाम का ये निशान आप देख रहे हैं, वफादार गुप्ता, और आप मेरी वफादारी पे शक कर रहे? मेरी? नहीं सर, आप मुझ पे शक नहीं कर रहे, पूरे डिपार्टमेंट पे शक कर रहे हैं। सर, आप खुद अपने आप पे शक कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए सर कि मेरी वर्दी पे ये नेम प्लेट लगी है और आपकी वर्दी पे ये मेडल? सर, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, ये मेडल हासिल करना, और उसके लिए अगर मुझे शहीद होना पड़ा सर तो मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा सर। मैं जानता हूं सर, सरकारी नौकरी में आंसू और जज्बात की कोई कीमत नहीं है सर, मगर एक बात याद रखना सर, वफादार गुप्ता का सर कट जाएगा, किसी गद्दार के सामने झुकेगा नहीं सर। अब आप जो चाहे मेरे साथ सुलूक कीजिए सर, चाहे मुझे जान से मार दीजिए सर, और चाहे मुझे छोड़ दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, पर एक बात याद रखना गुप्ता, सरकार वफादारी के लिए वफादारों को मेडल देती है और मैं गद्दारी के लिए गद्दारों को गोली मार देता हूं, समझे? यू कैन गो। थैंक यू सर। संजय, मैं तुम्हें रिहा करने आया हूं। इस मेहरबानी की वजह? सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम गुनाहगार नहीं हो बल्कि बना दिए गए हो। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें छोड़ रहा हूं ताकि बाहर जाकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सको और असली गुनाहगारों को सजा दिलवा सको। देखो, ये तुम्हारा इम्तिहान है जिसके नतीजे का इंतजार मुझे रहेगा। डैडी, संजय का क्या हुआ? एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक अपराधी के लिए इतनी बेचैनी, ताजुब है? डैडी, संजय अपराधी नहीं, निर्दोष है। वो मेरी जिंदगी है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो,
मेरे समझ ना समझने से कुछ नहीं बनता, इसका फैसला तो कानून करेगा, और कानून तो तुमने पढ़ा है। मगर मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा है। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरखधंधा है, नहीं? दिल कानून को नहीं मानता और कानून दिल को नहीं मानता। तो फिर आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? बेटे मैं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इम्तिहान ले रही है, क्योंकि जिंदगी के सफर में तुमने पहला कदम रखा है और मैं तजुर्बे की आखिरी मंजिल पर खड़ा हूं। तुम तो सिर्फ कह रही हो कि संजय निर्दोष है, लेकिन मैंने तो उसे रिहा भी कर दिया है। ओ डैडी। जिसके सुहाग का नाम अमर हो, जिसके काम अमर हो, जिसके वचन अमर हो, उसके वचन को अपने धर्म की तरह निभाने वाली तू जैसी मां ही हो सकती है। मां संजय, मुझे मालूम था कि मैं आऊंगा तो तुझे दुख होगा, मगर तेरे दुख में मैं नहीं आता तो मुझे कभी शांति नहीं मिलती। बेटे, सारी सुहागिनी अपने पति को अमर रखने के लिए व्रत रखती हैं। मैं तो अपने अमर पति की पूजा कर रही हूं, भगवान से मांगती हूं कि जन्म जन्म तक यही मेरे पति रहे। तूने अपने पिता का नाम, उनका धर्म, उनके सपने सब कुछ मिट्टी में मिला दिए। बोल बेटे, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा बेटे? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? इस क्यों का जवाब ही तो मुझे इस रास्ते पर ले आया मां। यकीन मानो, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि हम बाप बेटे अलग अलग रास्ते पर चले, अगर हमारी मंजिल एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी। सिर्फ सोचने का नजरिया अलग था, मगर हमारा मकसद एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मुझे आशीर्वाद दो मां कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। आशीर्वाद दो मां। इंस्पेक्टर वफादार गुप्ता स्पीकिंग। वफादार, कहीं तुम गद्दार तो नहीं हो गए? क्या बात करते हो यार जगन्नाथ, वफादार और गद्दार हो ही नहीं सकता। बोलो फिर, संजय को मेरे ठिकानों का पता कैसे चला? अरे यार, संजय को तुम्हारे कुछ ही ठिकानों का पता चला है ना। मैं तो ऐसी चाल चलूंगा कि संजय के सारे ठिकाने ठिकाने लग जाएंगे। अरे तुम देखना, देखना तुम। हाँ ओके, संजय। संजय, क्यों बुलाया था मुझे? मैंने तुम्हें तुम्हारी रिहाई की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया था। मुबारकबाद? जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता, मैं अपराधी हूं सोनम। तुम अपराधी हो या निर्दोष, अच्छे हो या बुरे, तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो संजय। ये दिल का सौदा है जिसे कानून के तराजू में नहीं तोला जा सकता। मगर जो अपराध का कलंक मेरे माथे पे लगा उसका क्या? मैं इसे सिंधु समझकर
अपनी मांग में सजा लूंगे। मुझे मत मारो, मैं आप जो कहे करूंगा, मैं आपके काम आऊंगा। मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। इंस्पेक्टर सोनम, कमिश्नर ऑफ पुलिस दुर्जन सिंह पुलिस की ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, आप तो जानती होंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई अंडरस्टैंड। जब पुलिस कमिश्नर ही अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करे और अपने घर में गैर कानूनी सामान रखे तो एक ऑफिसर को तो यह बात बकवास ही लगती होगी। आई अंडरस्टैंड। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो अपने रिवॉल्वर की पहली गोली आप मेरे सीने में उतार दीजिएगा, लेकिन अपनी वर्दी के फर्ज को तुम्हें आज निभाना इंस्पेक्टर सोनम। ऑल द बेस्ट, बाय। हुसैन मियां, सोनम अभी तक नहीं आई। पुलिस वालों के सुबह का शाम का सरकार, आती होंगी। सरकार बिटिया आ गई, सोनम बिटिया सरकार। अरे सोनम बिटिया, पूरा थाना लेकर घर पर आ गई, क्या बात है? छुट्टी यहीं पर देने का इरादा है क्या? मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है कमिश्नर साहब। यस। थैंक यू। तुम इधर जाओ, तुम ऊपर जाओ, चलो जल्दी करो। पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, ऐसी बातें न देखी गई न सुनी गई। बेटी बाप के घर की तलाशी लगी। हुसैन मियां, इम्तिहान का सबक देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल होता है। शायद मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना ही मेरी जिंदगी है। इंस्पेक्टर, चौक से तलाशी लो, घर का कोना कोना तुम्हारा देखा हुआ है। सर, ये सब क्या है? ये वो सबूत हैं जो आपके घर से बरामद हुए हैं। ये किसी की साजिश लगती है। ये साजिश है या सच्चाई, इसका फैसला करना अदालत का धर्म है और अदालत तक पहुंचाना मेरा कर्म। और वैसे भी इन सबूतों के मिल जाने के बाद सफाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और मैं सफाई देना भी नहीं चाहता। आखिर तूने अपना रंग दिखला ही दिया ना, अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन तू तो पराया खून है ना। खामोश हुसैन मियां। आज अगर खामोश नहीं कहोगे तो मैं इस तरह खामोश हो जाऊंगा कि तुम लाख जगाओगे, मैं नहीं जागूंगा। कमिश्नर साहब, मैं इस घर में नौकर बन के रहा, लेकिन इसे लाड दिया, प्यार दिया, अपनाया, इसकी हिफाजत और सलामती के लिए दुआएं मांगते मांगते मेरी जबान थक गई। ला ला वापस ला मेरी दुआओं का कर्ज जो तेरा फर्ज बनकर मेरी मोहब्बत को लूट रहा है। मैं मजबूर हूं सेन चाचा। इंस्पेक्टर, एक बात याद रखना, इन हाथों ने हमेशा मुजरिमों को हथकड़ियां पहनाई हैं। ये हाथ कट सकते हैं, लेकिन मुजरिमों को पनाह कभी नहीं दे सकते। फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो हम हाजिर हैं, हमें गिरफ्तार कर सकती हो। मैं
तो जानता है कि मालिक बेकसूर है, अपने हबीब के सदके सच और इंसाफ की लाज रखना और मेरे मेरे मालिक को इज्जत आबरू के साथ घर वापस लाना। अल्लाह या अल्लाह। बोल, कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपया किसने रखा था? बोल। सोनम, यही वो जलील जिसने अपने आप को बेचकर कमिश्नर साहब के कमरे में गर्द और रुपए छुपाए थे। अरे तब वो कैब है तब हरामजादे, तूने हमारे ईमानदार कमिश्नर साहब को फंसा। वो शख्स जिसने जिंदगी में हराम का एक पैसा नहीं देखा, उसको सलाखों का अमल दिखा। मैं तुझे सोनम जी, इस आदमी ने हमारी इस पवित्र वर्दी पर कीचड़ उछाला है। इससे पूरी तहकीकात मैं करूंगा, इससे हकीकत मैं निकलवाऊंगा। चल चल कुत्ता, जैसे कमिश्नर साहब पर इल्जाम लगाता है कुत्ते। सोनम, ये था मेरा पहला तोहफा। संजय चल। तेरे साथ हूं गधे, लेकिन सबके सामने तो बात नहीं करनी चाहिए ना। उल्लू का बट्टा ये ले। सुन, ये तेरे को छोड़ रहा हूं ना, उसके पेपर पे साइन कर दे। लिखना आता ना? शाबाश शाबाश, चल जा 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 जा। अच्छा हुआ सब पेपर पहले रेडी रखे। हुसैन चाचा, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और बताइए, आपने मुझे पराया खून क्यों कहा? क्या मैं पराया खून हूं? बताइए हुसैन चाचा, आपको बताना पड़ेगा। आज आज हुसैन अपनी जबान पर से ताला हटाएगा वो अपने मालिक के लिए, जो इंतहाई घनौनी और नापाक साजिश का शिकार हो गए। मेरे मालिक इंसान नहीं, फरिश्ता है। अगर वो तुम्हें अपने दामन में पनाह न देते तो जमाने के थपेड़े तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देते, और आज जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो वहां वहां तुम कभी ना पहुंचती, और तुम्हारी मां के सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते, बिखर जाते। उन्नीस साल पहले उसने शीतल आंसू बहाकर मेरे प्यार को छोटा करना चाहती हो? प्यार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है। जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, मरने से पहले भी तुमसे कुछ मांग रही हूं। शीतल बोलो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? इसका बाप तो बाप है, उसके पास इसकी परवरिश होगी,
ये भी गुनहगार बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके माँ और बाप दोनों बन जाओ। तुम यही सोच रहे हो ना, किसी और का चराग जलाकर तुम अपनी जिंदगी में और भी अंधेरा कर दोगे। किसी और का चराग जला देने से अपने चराग की रोशनी कम नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। उसे नीचे शीतल 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 तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानती हूं। क्या? यही कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। मेरी रगों में आपका खून नहीं बल्कि एक मुजरिम का खून दौड़ा है, और इससे पहले कानून मुझे अपना फर्ज अदा करने से रोके, मैं अपना इस्तीफा देने आई हूं। मेरी सारी आस उम्मीदें तोड़ डालोगी? जिंदगी भर जिस फर्ज को निभाने के लिए मैंने जख्म अपने सीने पर सहे हैं, वही जख्म तुम मेरी पुष्ट पर लगाना चाहती हो आज? अब मुझ में हिम्मत नहीं। इस एहसास ने मेरे सारे हौसलों को चकनाचूर कर दिया कि मैं एक मुजरिम की बेटी हूं। एक बार फिर सोच लो। कैसे? मुजरिम की नहीं, मेरी बेटी हो। ओ डैडी। क्यों, तुम्हारी चाल कामयाब हुई? यार वह जरा सी गलती से सब गुर्दा। मुझे बेवकूफ दोस्तों से अकलमंद दुश्मन ज्यादा पसंद है। तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर तो हवलदार बनने के काबिल नहीं। कमिश्नर की बात तो बहुत दूर की है। आज के बाद मेरे मामलों में होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही निपट लेंगे। अरे यार, जो मुंह में आ रहा बके चले जा रहे हो बगैर सोचे समझे। जो हो गया सो हो गया, तुम इस बार देखना। इस बार तो हमने तुम्हें छोड़ दिया गुप्ता, वरना हम तुम्हारी गर्दन। तुम जा सकते हो। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जगन्नाथ, दरअसल तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। तुम मुझसे मेरा हक मार लेना चाहते हो, लेकिन ये मत भूलो, वफादार गुप्ता के बगैर तुम्हारी हुकूमत के पहिए डगमगा जाएंगे। गुप्ता, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट? यस। ओके ओके, मुझे गेट लॉस्ट बोल रहा है, कमाल है। मुझे यहां क्यों बुलाया? कोई नई चाल? संजय, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। संजय, तुम समझते हो मैंने तुम्हें धोखा दिया? देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, धोखा हम दोनों को जगन्नाथ ने दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि उसने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। आई स्वेर यार। संजय, अगर तुम चाहो तो आप भी उस हरामजादे की सांसें बंद कर सकते हो। वो कैसे? उस तोते की जान उस परी की मुट्ठी में है जो लोगों का दिल बहलाने के लिए उसके नाइट क्लब में नाश्ती खाती है। अगर तुम उसका दिल जीत लो और उसकी मुट्ठी खुलवा दो तो उसकी सांसें तो अपने आप बंद हो जाएंगी ना। क्या नाम है उस परी का? सोनिया।
तेरा जो चाहे समझे पर तू न मैं इरादा, दुनिया जो चाहे समझे बदलू न मैं इरादा, जिससे भी प्यार कर लूं जिससे भी कर लूं वादा, मैं हूं दिल का रईस दादा, मैं हूं दिल का रईस दादा। Ah!
सच्चाई का सौदागर आशिक हूँ मैं तरानों का, मैं हूँ गुनाहों का बस दुश्मन दोस्त सभी इंसानों का। मैं सच्चाई का सौदागर आशिक हूँ मैं तरानों का, मैं हूँ गुनाहों का बस दुश्मन दोस्त सभी इंसानों का। दुनिया जो चाहे समझे बदलू ना मैं इरादा, जिसे भी प्यार कर लू जिसे भी कर लू वादा, मैं हूँ दिल का रईस दादा, मैं हूँ दिल का रईस दादा। जगन्नाथ के गैर कानूनी कागजात। कमिश्नर साहब, ये वो फाइल है जिसमें जगन्नाथ की काली करतूतों का हिसाब है, और इसमें वो सबूत है जिनकी अदालत के चबूतरे पर आंखों पर काली पट्टी बांधे खड़ी इंसाफ की देवी को सख्त जरूरत है। शाबाश बेटे, मुझे यकीन था तुम्हारे हाथ एक ना एक दिन उस दरिंदे के मुंह से शराफत का नकाब जरूर उतार देंगे। कांग्रेचुलेशंस। कमिश्नर साहब, अभी तक तो मैंने सिर्फ वर्दी का कर्ज उतारा है, डैडी के खून का कर्ज अदा करना तो अभी बाकी है। गाड़ी कहाँ है? हेलो, तुम? मुझे मालूम था गुप्ता तुम वहीं हो गए। सर, मैं तो ड्यूटी पर हूं सर। मुझे मालूम है तुम किस तरह की ड्यूटी पर हो। जगन्नाथ कहाँ है? सर, वो तो कबका मर चुका है सर। और तुम अभी तक जिंदा हो? ठीक है, thank you।
मेरी पोल खुल चुकी है। मैंने इतने साल जो तुम्हारे साथ वफादारी की, मुझे उसका मुआवजा दे दो। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूं। जगन्नाथ से जो हक मांगता उसे मुल्क से नहीं, दुनिया से दूर भेज दिया जाता है वफादार। अरे यार तू देख जगन्नाथ, तू मुझे कुछ नहीं देना चाहता ना, कुछ मत दे, लेकिन कम से कम मुझे यहां से तो जाने दे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि मैं बेईमान हूं, मैं करप्ट हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे यहां से जाने दे। मुझे मारना तेरे जैसे हिजड़े का काम नहीं है। मुझे दुनिया से हटाने से पहले इसे दुनिया से हटा, जो तेरा अपना खून है, अपना खून। चला गोली, चला। जगन्नाथ का नाता सिर्फ रुपयों से है वफादार, जगन्नाथ का रिश्ता सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार और निकल जा बाहर। कम से कम चार पांच गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार, मुझे कम से कम एक लात तो मार लेने दे। सर एक लात नहीं सर। छोड़ दो मुझे, तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्रु होता है। और इस गद्दार को, इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था। क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी मां की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक ना एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए, तो कानून के साथ साथ तुम्हारी माँ का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी, ये मेरा वचन है। मेरी माँ की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा। योर ऑनर, जैसे झूठ का सच से, नेकी का बदी से, पाप का पुण्य से कोई रिश्ता नहीं होता है, उसी तरह संजय पर लगाए गए इल्जामों का रिश्ता संजय से नहीं है। मिलॉर्ड, हर माँ अपनी औलाद को बेगुनाह समझती है, चाहे वो गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मिलॉर्ड, इस खतरनाक मुल्जिम संजय सिंह वल्द अमर सिंह ने मेरे मुवक्किल को मारना चाहा। योर ऑनर, मैं उन गुनहगारों में से नहीं हूं
जो अपना गुनाह कबूल करने से घबराते। हाँ, सच है कि श्रीमान जगन्नाथ, इनके घर बार और कारोबार को मैंने तहस नहस किया। यह भी सच है कि मैंने अपने हथकंडों से इन्हें बर्बाद किया, और यह भी सच है कि मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, मगर अफसोस कि यह बच गया। वाकई मुझे इस बात का अफसोस है योर ऑनर कि मैंने गोली इसके पैरों पर मारी, इसके सीने पर नहीं। और अगर आप मुझसे पूछें कि यह आदमखोर लंगड़ा गैर कानूनी आदमी कानून के कटघरे में जिंदा कैसे खड़ा है, तो इस सवाल का जवाब मेरी मां है योर ऑनर, सिर्फ मेरी मां, जिसे इस बात का पूरा यकीन था कि कानून इसे सजा जरूर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं मुजरिम बनकर आज कानून के कटघरे में खड़ा हूं। ये जगन्नाथ, जिसकी दरिंदगी का शिकार अदालत में बैठा हर शख्स है, चाहे वो मां हूं, मेरी मां है या मेरी मोहब्बत, हर एक को इसने ऐसा सदमा जरूर दिया है जिसे वो मरकर भी भूल नहीं सकता। योर ऑनर, मेरे हाथों को हथकड़ी ने जकड़ लिया और ये दरिंदा मौत से बच गया, और अब भी मेरे हाथ इसी बंदूक से इसके सीने में गोली ठोकने के लिए मचल रहे। मिस्टर संजय, क्या यह अदालत जान सकती है कि आप खास इसी बंदूक से सेठ जगन्नाथ का खून करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसी बंदूक से इस सेठ जगन्नाथ ने मेरी मां के होठों की मुस्कुराहट, उसके माथे की बिंदिया, उसकी मांग का सिंदूर सब कुछ छीन लिया, दे दिया उसके सीने में जख्म, भर दिया उसकी आंखों में आंसू। फिर भी मेरी मां ने अपने आदर्श के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। वो एक पत्नी के, एक मां के, एक औरत के सारे फर्ज निभाने चली आई। अब देखना तो यह है योर ऑनर कि कानून अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभाता है। मिसेज ज्योति सिंह, आप अपने गवाह और सबूत पेश कर सकती हैं। इस बंदूक को पहचानते हैं मिस्टर जगन्नाथ? जी हाँ, इसी बंदूक की गोली से इस लड़के ने मेरी टांग को जख्मी किया था। ये किसकी बंदूक है? जाहिर है उसी की जिसने मेरे ऊपर हमला किया। तुम झूठ बोल रहे हो जगन्नाथ, ये स्टैनगन विदेशी जरूर है, मगर है ये तुम्हारी। इसी बंदूक से तुमने मेरे पति डीएसपी अमर सिंह का खून किया। उस खून के चश्मदीद गवाह थे मैं और मेरा बेटा। कानून की कमजोरियों और तुम्हारी चालाकियों ने तुम्हारी गर्दन को फांसी के फंदे से दूर रखा, मगर अब ये फांसी का फंदा इतना नजदीक आ गया है कि अगर तुम चाहो तो भी तुम नहीं बच सकते। ये झूठ है योर ऑनर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। यस माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को डीएसपी अमर सिंह का कातिल कहना झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। ये सरासर झूठ है। ये सच है। ये झूठ है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिसेज ज्योति सिंह, आप जो कहना चाहे कह सकती हैं। ये सच इसलिए है योर ऑनर, पोस्टमार्टम के वक्त डीएसपी अमर सिंह के जिस्म से निकाली गई गोलियां उन गोलियों से मिलती हैं जो जगन्नाथ की जख्मी टांग से निकली थी, इसलिए इस बंदूक के मालिक संजय सिंह नहीं, सेठ जगन्नाथ है। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि मेरी गवाह इंस्पेक्टर सोनम को बुलाने की इजाजत दें। इजाजत है। इस आदमी को जानती हो जो कटघरे में खड़ा है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैंने इनसे मोहब्बत की है। इसके बावजूद तुमने इसे गिरफ्तार किया? वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी। तुम इन्हें जानती हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे? ये मेरे नाजायज बाप है। इसलिए तुमने सेठ जगन्नाथ का खून संजय के हाथों नहीं होने दिया? योर ऑनर, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। संजय ना ही एक मुजरिम है और ना ही खूनी। वो चाहता तो सेठ जगन्नाथ को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सिर्फ इसे जख्मी किया ताकि ये भाग ना सके और खुद को कानून के हवाले कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अपने बाप को ही कानून के इर्द गिर्द लपेट रही हो। कानून कभी रिश्तों का गुलाम नहीं होता है, और ना ही तुम कभी रिश्तों के गुलाम थे। वरना मेरी माँ लावारिसों की तरह क्यों मरती, और उसकी कोख से पैदा हुई बच्ची उसका क्या होता अगर उसे कमिश्नर दुर्जन सिंह जैसे देव पिता पाल पोस के बड़ा ना करते। सिर्फ जन्म देने से इंसान पिता नहीं बन जाता है, उसे पिता होने का फर्ज भी अदा करना पड़ता है, और वो फर्ज मेरे लिए कमिश्नर दुर्जन सिंह ने अदा किया है, वरना मैं
मैं गुनेगार की बेटी कहलाती और मेरी परवरिश गुनाह के साए में एक गुनेगार की तरह होती। बेटी सेठ जगन्नाथ, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। योर ऑनर, अब मैं उस गवाह को अदालत में बुलाना चाहती हूँ जिसकी गवाही मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर देगी, कमिश्नर ऑफ पुलिस दुर्जन सिंह। इजाजत है योर ऑनर। संजय सिंह गुनाहगार नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई है उसके मुताबिक संजय ने जगन्नाथ के काले धंधे खत्म किए, उसके काले धन के खजाने को पुलिस में पकड़वाया। योर ऑनर, संजय सजा का नहीं इनाम का हकदार है, जो पुलिस डिपार्टमेंट फख्र के साथ कहता है। गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजय बेकसूर है और उसे बाइज्जत रिहा किया जाता है और साथ ही उसे पुलिस डिपार्टमेंट के इनाम का हकदार भी घोषित किया जाता है। यह अदालत सेठ जगन्नाथ को उसके जघन्य अपराधों के लिए सजाए मौत का हुक्म देती है। अब ना तो तुम पाप कर पाओगे ना पुण्य, और तुम वो भी नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। जगन्नाथ, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जगन्नाथ को हिरासत में लिया जाए। आपके कातिल, छोड़ो मुझको। जगन्नाथ किसी कानून को नहीं मानता। आज जगन्नाथ तुम कानून वालों को भगवान बनकर जीने नहीं देगा, एक एक को खत्म कर देगा। सोनम, सोनम तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। दुनिया में किसी भी पापी की मौत सर पटकने से नहीं टलती। जब जब जगन्नाथ जैसे गुनाहगार जन्म लेंगे तब तब कानून का फंदा उनके गले में पड़ेगा और वो हैवान मौत के अंधेरे में मिल जाएंगे ताकि दूसरों की जिंदगी की रोशनी ना छीन सकें। दुनिया जो चाहे समझे बदलू ना मैं इरादा, जिससे भी प्यार कर लूं जिससे भी कर लूं वादा, मैं हूं दिल का रईस दादा। मैं हूं दिल का रईस दादा। दादा